नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। आने वाले समय में दिनेश लाल यादव निरहुआ फिल्म की शूटिंग के लिए लखनऊ जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लखनऊ से होने के बाद आजमगढ़ के अलग अलग लोकेशनों पर भी शूटिंग की जाएगी। इनमें जो कलाकार हैं वह आजमगढ़ के ही हैं और आजमगढ़ में उन कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ऐसा दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है। क्या है उनकी आगे की प्लानिंग, देखिए इस रिपोर्ट में जो राम सकल यादव की है। आने वाले समय में निरहुआ किस तरह से व्यस्त रहेंगे, इसको लेकर के उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ दिनों बाद वो फिल्म की शूटिंग के लिए लखनऊ जा रहे हैं, जहां से उनकी पूरी टीम आजमगढ़ के अलग अलग लोकेशनों पर शूटिंग करेगी, क्योंकि उस फिल्म में गाँव के दृश्यों में भी फिल्मांकन होना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संतोष श्रीवास्तव द्वारा आजमगढ़ में कलाकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है और लगातार उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है। निरहुआ का कहना था कि आजमगढ़ से उनका लगाव कभी भी नहीं खत्म होगा, आजमगढ़ में फिल्में भी बनती रहेंगी और उनका यह प्रयास होगा कि वह फिल्म क्षेत्र के साथ साथ आजमगढ़ के लिए भी बहुत कुछ कर सकें। जो फिल्मों का कार्य है वो भी अच्छा चल रहा है, हमारी टीम जो है वो लगी हुई है। हम लोग 29-30 तारीख से लखनऊ में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं और उसको थोड़ा वहाँ शूट करने के बाद आजमगढ़ लेके आएंगे, क्योंकि कुछ ग्रामीण हिस्सों की शूटिंग करनी है जो हम आजमगढ़ में करेंगे, जो हमने पहले कहा भी था। और यहाँ पे हमारे संतोष श्रीवास्तव जी जो हमारे सहयोगी हैं वो यहाँ के कलाकारों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिए हैं, ताकि जब हम लोग आएँ तो हमें परेशानी ना हो और यहाँ हमको कलाकार जो है वो मिल जाएँ और हम अपनी शूटिंग जो है यहाँ आजमगढ़ में आसानी से कर पाएँ।